के अंदर बहुत से जो विद्यार्थी हैं, बहुत से स्टेट के जो बोर्ड एग्जाम 2025 का देने वाले हैं, इन विद्यार्थियों के अंदर ये विचार आता है कि सर हम लोग जुलाई से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें, अर्थात सर 95% कैसे ले आए। ये बहुत से स्टूडेंट के अंदर विचार होता है कि सर हमें भी इस साल जो 2024 टॉपर है प्राची निगम, इन सब भारत की बेटियों के जैसे हमें टॉपर बनना है, और सर हम ऐसे क्या करें जो जुलाई से पढ़ के हमें टॉप कर सकते हैं। देखिए सर, यदि आप जुलाई से पढ़कर बोर्ड एग्जाम के टॉपर बनने हैं तो अभी से आपको कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगी। आखिर में सर वो कौन से फैक्ट हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगी, ये चीज आपको ध्यान में ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए और सभी विद्यार्थियों को भी ये चीज ध्यान देना चाहिए। देखिए सर, ये फैक्ट आखिर में है क्या, अगर इसके बारे में अगर देखा जाए, ये जो फैक्ट है आपको जुलाई से पढ़कर आप जब फरवरी में अपना एग्जाम दे रहे होंगे, मार्च में जब आप अपना एग्जाम दे रहे होंगे, 95% आप कैसे ले आएंगे। सर अभी से जैसे आपका जून समाप्त हो, आप 1 जुलाई से आप अपना बिल्कुल टाइम टेबल, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना डेली रूटीन में पढ़ना है, अभी से निर्धारित करना है। देखिए सर, चुनौतियां तो आपको हर चीज में मिलेगी, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें सर चुनौती आपको मिलेगी नहीं। आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, चाहे आप IAS की तैयारी करें, चाहे आप PCS की तैयारी करेंगे, चाहे आप जज बनने का प्रयास करेंगे, हर फील्ड में यदि आप जाएंगे सर तो आपको चुनौती जरूर मिलेगी। बिना सर आप चुनौतियों को सामना किए आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। थॉमस अल्वा एडिसन सर 1000 एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके थॉमस अल्वा एक्सपेरिमेंट 1000 एक्सपेरिमेंट के बाद बल्ब का निर्माण कर पाया, ये चीज सर आपको ध्यान में रखना है। थॉमस अल्वा एडिसन 1000 बार असफल हुआ था, कितनी बार सर 1000 बार, और आप तो 1-2-3 बार में ही देखते हैं, करने लगते हैं, रोने लगते हैं कि सर हम नहीं सफल हो पाएंगे। क्यों सर, क्यों? अगर आपको महान बनना होगा ना, आपको अब अपने आप को हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग में लाना होगा, तब आप असफलताओं का आपको चखने को चखना ही पड़ेगा। देखिए सर, अगर आपको जुलाई से पढ़कर 95% बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं तो आपको कई फैक्ट पे ध्यान देना होगा। वो फैक्ट क्या है, सबसे पहले सर आपको अपना डेली रूटीन निर्धारित करना होगा, आपको कितने समय में अपना करना क्या है, जरा आप ध्यान दीजिए आपको वो चीज करना क्या है। सबसे पहला जो आपका रूटीन है वो देखिए, वो रूटीन क्या है, सबसे पहला जो आपका रूटीन आता है वो है आपके रहन सहन का तरीका। अब बोलेंगे सर ये आप बोलो, ये सर बहुत बड़ा मायने रखता है, आपको सर कितने घंटे नींद लेना है, कितने घंटे सर आपको पढ़ना है, कितना आपको आहार लेना है, कितना आपको विटामिन लेना है, शाम को सोते समय बहुत ज्यादा यदि आप खा पी लेंगे तो आपको नींद आ जाएगी, वो बढ़िया आराम से आप सोएंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, सबसे पहला डिस्टर्बेंस आप जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप 2-3 बजे आप सोते हैं, रात भर आप मूवी देखते हैं, तो सुबह पढ़ने के लिए नहीं उठ पाएंगे, ये भी सर आपको डिस्टर्ब करेगा। सुबह आपकी कोचिंग है, स्कूल है, तो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। ये देखिए, अगर आप जरा सोचिए, अगर आप 7-8 महीनों के दिनों में अगर आप ये छोटी छोटी गलतियाँ अगर आप नहीं सुधारेंगे तो आप 95% स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको इन सब चीज़ों को सुधारना है, अपने आप को हैबिटुअल करना है, अपने आप को हैबिट बनाना है, हमें ये चीज करके हमें कुछ भी हो जाए हमें सफलता हासिल करना है। अच्छा, अगला नेक्स्ट आप जरा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सर आपको अपना टाइम टेबल निर्धारित करना है, आपको पढ़ना क्या है सर, आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना है। सबसे पहले यदि आप बच्चों का माने तो आप हर सब्जेक्ट के लिए आप 1 घंटे पहले आप समय निकालिए, 1 आवर। मान लीजिए सर मैथ जैसे ऐसे सब्जेक्ट है थोड़ा ज्यादा समय लगता है, उसके लिए आप 2 घंटे कर दीजिए, आप 24 घंटे में 6 घंटे आप समय निकाल दीजिए ना, 3 बजे सुबह 6 बजे तक पढ़ लीजिए, उधर आप 9-12 पढ़ लीजिए, बस आपसे आपको कोई नहीं समय देना है, बस आप इतना समय दीजिए, बस इतने समय में ही सर आप 8-7 महीने आप पढ़ के जुलाई से आप बोर्ड एग्जाम तक में 95% स्कोर कर सकते, कोई नहीं रोक सकता। आपको सबसे पहले रहन सहन का तरीका, आपका जो दिमाग है ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, राइट।
दूसरी बात, आपको ये ध्यान में रखना होगा आपको कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, और टाइम टेबल जरूर निर्धारित करना है। और सर, पढ़ते लिखते समय जब आपका चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक, आपको एक दिन आपको अपने आप को रेस्ट देना है, एक दिन अपने आप को रेस्ट देना है। जैसे रेस्ट देने का मतलब ये है सर, जैसे आप एक हफ्ते लगातार अगर आप पढ़ाई करेंगे तो एक दिन आप रेस्ट देंगे तो उसको बड़ी आपको शांति मिलेगी, राइट। थोड़ा आप ऐसे स्थान पर चले जाइए, थोड़ा आप घूमने टहरने, उसमें आप कुछ भी मत करिए पढ़ाई लिखाई से संबंधित, आप थोड़ा ध्यान करिए, मेडिटेशन कीजिए, या फिर अच्छी अच्छी नॉवेल बुक पढ़िए। उस समय आप जो आप अपने आप को समय निकाल रहे हैं, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ मस्ती कीजिए, लेकिन आपको थोड़ा रेस्ट जरूर देना है। अगर ऐसे ये दो तीन नियम सर अगर आप अपना के चलते हैं ना, तो आप जुलाई सर बोर्ड एग्जाम तक में 95 की बात छोड़े 99% आप स्कोर कर सकते हैं, 99। लेकिन सर पढ़ाई लिखाई के साथ आपको ध्यान और योग को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इन्हें आपको साथ साथ लेके चलना है। सर देखिए, जो ध्यान और योग है ना, इसका सर बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान। सर देखिए, ध्यान और योग में ही पूरी सफलता का राज छिपा हुआ है। अगर बच्चों अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन, न्यूटन, अगर ये सब महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में आए ना, इनसे आप कभी पूछिए, इनकी अगर आप बुक पढ़िए तो आपको ये सुनने में मिलेगा, सर जब अल्बर्ट आइंस्टीन अपने बुकों को पढ़ते होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उनके अगल बगल कोई व्यक्ति क्या कर रहा होता है, क्या बोल रहा होता है, उन्हें ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रहा होता है। यही सर एक असाधारण जो शक्ति थी ये स्वामी विवेकानंद के अंदर थी। सर अपने आप को रूटीन में ये चीज़ भी लेके चलना है, अगर आप 10 से 15 मिनट भी अगर आप ध्यान और योग के लिए समय देते हैं, और अगर आप ये लगातार अपने रूटीन के साथ लेते हैं, तो आप देखेंगे 100% बदलाव यही आपके अंदर कर देगा ध्यान और योग ही। सर दो एक ऐसी चीज हम आपको बता रहे हैं, अगर आप इसे अपने जीवन में अपना लिए तो आपको सर सफल होने से कोई ऐसी शक्ति नहीं रोक सकती, वो है सर ध्यान और योग। ध्यान और योग सर आप अपने जीवन में अपना लीजिए, बस ध्यान को तो आप पूरा पूरा अपनाइए, भले योग को सर आधा परसेंट ही अपनाइए। और मेडिटेशन सर आपकी स्मरण शक्ति को इतनी ज्यादा बढ़ा देगी सर, आपके अंदर एक असाधारण शक्ति उत्पन्न होने लगी।